हेलो, गुड इवनिंग रवि जी। गुड इवनिंग भरत जी। बस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सुनो रवि जी ना, हेलो जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, मैं रवि कड़ेल कलकत्ता से। नमस्कार मैं भरत भाई ओसवाल कोल्हापुर से, महाराष्ट्र। सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, वहां कैसे चल रहा है? सब हाउस अरेस्ट है। हाँ, कलकत्ता में कारागिर लोगों की तो बहुत समस्या होगी, सब घर पे बैठे हाँ, होंगे। समस्या तो है ही, समस्या तो है। हेलो या 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 मदन जी। हेलो कारागिर लोगों के लिए क्या कर रहे हैं अभी, एसोसिएशन या कोई उनके लिए कोई? हमारे एसोसिएशन है, हम कारीगरों को राशन करा रहे हैं और जो कारीगर दूर है उसको ऑनलाइन 750 रुपया बैंक से ट्रांसफर कराते हैं। और ये हम अपने छोटे लेवल पे, हमारी जो अपनी एसोसिएशन है उसके माध्यम से ही जितना कारीगर है उनको करवाते हैं। नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, हालत ऐसे ही है हमारे यहाँ भी, बहुत बहुत नहीं, बहुत तकलीफ है छोटे 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 कारागिर लोगों की। मगर ऐसा इधर कैसे है, कोल्हापुर में एक बंगाली एसोसिएशन भी है, जो अच्छे अच्छे बंगाली बड़ा कारखाना संभालते हैं, वो लोग आगे आगे हैं। उनको आगे आके उनको बोला है कि भाई आप लोग छोटे छोटे कारागिरों का आप लोग ध्यान रखो, और हमारा एसोसिएशन भी उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट हो रहा है कि जितना उनको हो सके। कैश वगैरह नहीं है, अगर अनाज है कोई इस हिसाब से आप मदद कर सकते हैं, फिर अच्छी तरह है, ऐसा कोई ये नहीं है। अभी तो प्रॉब्लम अभी आगे थोड़ी चालू होगी, अभी तो पहले 20 दिन तो निकाल दिया है हाँ अपन सर। हाँ दिन ब दिन आगे एक परिस्थिति बहुत कठिनाई से और जा रही है, और मुंबई में बहुत खराब हालत है, हालत बहुत खराब है। अंशुल जी, आपको मैंने देखा लेकिन आपका फोन पे आपका नाम नहीं है, थोड़ा आपका नाम उस पे डाल दीजिए। नमस्ते। हेलो मदन जी नमस्ते। आपको मदन पहचान को नहीं कर। पा रही हूँ मदन जी, मैं लुक चेंज हो गया आपका। ओ, क्या है कि करोना जाने के, करोना का श्राद्ध पहले ही कर लिया, करोना आने से पहले करोना का श्राद्ध कर लिया। मदन भाई, ठीक बोलिए बोलिए सर। हो ना? बस मजे में, मजे में, मेरे एकदम लुक बिल्डिंग में रियली 10-15 बहुत लोगों ने लुक देख चेंज लिया। कर दिया है। मेरे को देख के हाँ तो 10-15 लोगों ने, मेरे बिल्डिंग में मेरे को देख के 10-15 लोगों ने कर दिया। रोज का करने का ये बहुत बोले तो, अभी और महीने भर तैयारी हो तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। नहीं, इसके लिए किसके पास जाना जरूरी नहीं है। सुरेंद्र जी गुड इवनिंग, मनसुख जी गुड इवनिंग। हाँ मनसुख भाई, नमस्ते गुड नमस्ते। इवनिंग। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बस बढ़िया, सब ठीक है, सब सब अपने परिवार के साथ सब ठीक है। है, यस 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 यस, सब जन है अपने को तो, सब परिवार और अपने अपने वाले तो ठीक है, मगर अभी आगे छोटे लोगों की हालत बहुत खराब होती जा रही है, कारागिर हाँ लोगों की वगैरह बहुत समस्याएं है। हाँ, बंबई में आप कैसे हो? बंबई में सबसे, इंडिया में सबसे बड़ा बंबई बड़ा शहर है, उसका बॉम्बे में 3 सेंटर हमने ऑलरेडी चालू कर दिए। वो 25-26 तारीख से चालू है सेंटर, और वहाँ के जो बंगाली एसोसिएशन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और उनको एक हमने सिस्टम बना के दिया है कि आपको कैसे राशन बांटना है, उसका एक चेक कैसे रखना है, और जैसे जैसे जो जरूरत पड़ रही है वो सर राशन का हम लोग उसको दे रहे हैं। जहां जहां उनको सपोर्ट लग रहा है, पुलिस का, पुलिस पुलिस से परमिशन का, बीएमसी से, और जो जो चीज चाहिए वो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। और जो राशन कम पड़ने के पहले 3-4 दिन पहले वो हमको हाँ इन्फॉर्म प्रकाश जी, जल्दी और हम उसको अरेंज करा के दे रहे हैं। तो आइए अभी जल्दी आइए। 3 कैंप जवेरी बाजार और उसके आसपास में 3 कैंप चालू है। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, अप्रिशिएट। यस, और
जैसे कोल्हापुर में आपका कोल्हापुर भी बहुत बड़ा है और काफी बड़ा सिल्वर का सेंटर है। बहुत बड़ा है और अभी तकलीफें अभी चालू हो रही है, अभी फोन आने चालू हो गए। अभी तक 20 दिन में तो प्रॉब्लम नहीं था, मगर अभी लोगों को जो डे टू डे काम करते हैं मालिक लोगों ने दिया तब तक है, अभी थोड़ी उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही है। कल भी मैंने हमारे इधर पालक मंत्री है उनको कल मिलने को गया था उधर, उनसे बात करी है कि भाई आपका शासन का और इसका तो ठीक है, हम लोग भी कर रही है, एक बंगाली एसोसिएशन है इधर, अच्छा उन्होंने अभी स्थापित किया है, वो लोग भी उसमें जो अच्छे बंगाली है जिसके पास थोड़ा सा कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग बोले कि भरत भाई चिंता मत करो, हम लोग जब तक हमारे पास के है वैसे हम कर रहे हैं, कोई ऐसा मदद लगेगा तो हम आपको बताएंगे। मैंने फोन कल ही बात किया था उनसे, तो चालू है अभी। भूपरी वगैरह वहाँ थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आगे आगे, क्योंकि अभी 15-20 दिन तो चला, अभी मुसीबतें थोड़ी थोड़ी आनी चालू हो रही है। ओके ओके, अभी क्या होता है। हाँ बात बराबर है क्या, अभी अभी 20-25 दिन तो ऑलरेडी हो गए और अभी और 20 दिन चलाना है तो बहुत मुश्किल है। ये भी है, अभी अभी चैलेंज बढ़ते जाएगा क्योंकि जो जिनके पास थोड़ा बहुत अपना खुद का फंड था और रिसोर्सेस था वो यूज कर लिया उन्होंने। बराबर करेक्ट, ऐसा ही हो गया। और स्टार्ट में क्या हुआ, जो जो आए अभी अपन जैसे है अपना रिटेल शोरूम में मालूम है, ये अपने समाज वाले आए उन्होंने फंड ले लिया, और कोई मित्र सर्कल ने बोला, कोई इन्होंने बोला, कोई स्टाफ के लिए किया, मगर स्टार्ट में तो इतना लगा नहीं था कि वापस आगे और भी 20-25 दिन तक चलेगा। बराबर, अभी खरी मुसीबतें अभी लास्ट इसमें आएंगी। यस। और मतलब ये तो ये ठीक है ड्यूरिंग लॉकडाउन है, पोस्ट लॉकडाउन भी है ना, बहुत इजी नहीं है। हमने अभी जवेरी बाजार में काफी बड़ा मुहिम चालू किया है और हमने पैसा जमा करना चालू किया है ज्वेलर्स फाइट कोरोना के नाम से, और हमने सबको हम तो ज्वेलर्स के अलावा जितने भी बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज हैं हमारे जो एग्जीबिशन करते हैं, लॉजिस्टिक वाले, हॉलमार्किंग वाले हैं, मशीनरी वाले हैं, सबसे कलेक्ट कर रहे हैं पैसा। और उस लॉकडाउन के लिए हमने कुछ अभी से कुछ कार्यक्रम और कुछ परमानेंट लैबोरेटरीज बनाने का और वो सब काम करने का हमने सोचा है, क्योंकि आप खुलने के बाद आप किसी को कौन से स्टाफ को आप अंदर कैसे लोगे, आपको तो वो एक टेस्टिंग कराना पड़ेगा। सही बात है बराबर है। मुंबई होलसेल गोल्ड ज्वेलरी एसोसिएशन, यस सब शेयर होता है। प्रणाम क्रांति जी, आ गए सब लोग आ गए। क्रांति जी, काली बाबू कैसे हो? काली बाबू ठीक है। कैसा चल रहा है अभी? ठीक चल रहा है, स्टॉप शेयर होता है। हां चल रहा है, बढ़िया। चलो हमारे काली बाबू डे वन से लगे हुए, काली बाबू हमारे जवेरी बाजार के बहुत इंपॉर्टेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और उन्होंने काफी अच्छा काम किया और उन्होंने काफी अच्छे वॉलंटियर रेडी रखे हुए हैं, जो वॉलंटियर वहाँ पे काम कर रहे हैं। प्लीज उनका जरा परिचय देवे क्या। कालिदास सिन्हा है अपने बंगाली एसोसिएशन अपने सिन्हा रॉय जनरल सेक्रेटरी ऑफ बंगाली स्वयंशिल्प कल्याण संघ। अच्छा, वेरी गुड। और भरत भाई, काली बाबू का एसोसिएशन बहुत एक्टिव है और कुछ 17-18 साल से वो 26 जनवरी को बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं जहाँ पे 1500 से 2000 बोतल जमा करते हैं। अरे वाह, इस बार 2800 नमस्ते जी। Everybody is there? चेतन जी को जरा फोन कर रही हूँ जी। नमस्कार, मिथिलेश पांडे, जेमे ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिल बॉम्बे। नमस्कार जी। अरे मिथिलेश जी नमस्ते। नमस्कार पांडे जी। मिथिलेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार पांडे जी। पांडे जी हमारे जीजेपीसी के एमएसएमई और मेंबरशिप के डायरेक्टर हैं और जो हम अभी जो परिचय कार्ड जो हम बना रहे कारीगर के लिए उसका सारा काम पांडे जी देख रहे हैं। तो
तो पांडे जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा पोस्ट कोरोना आपके लिए, सबके लिए, सब कारीगर कारीगर के लिए। हमें सबका परिचय, पूरे इंडिया के सब कारीगर का परिचय कार्ड बनाना है, ताकि हम जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है और जो हमारा मेडिक्लेम का और स्वस्थ कोष का जो हम लोग डाल रहे हैं वो उसका फायदा हम सब कारीगर को दे सके। मनसुख भाई अगर ये ऑडियंस परमिट करे तो एग्जैक्टली सिनेसेटुस को लास्ट दो साल से हमने लिया हुआ है, आप कहें तो थोड़ा सा हम इसको इसके बारे में आपको जानकारी दे दें, क्योंकि अभी तक हमने गांधी जी वी हैव नॉट स्टार्टेड ना। नो पांडे जी बोलिए बोलिए पांडे जी प्लीज बोलिए। हां क्रांति जी मैं आप सबको और जो भी ऑडियंस से बैठे हुए हैं सबको बताना चाहूंगा, जेम एंड ज्वेलरी प्रोमोशन काउंसिल ने इस बात को लगभग 3-4 साल पहले ही समझ लिया था कि कारीगरों के लिए हमें एक स्ट्रांग डाटाबेस की जरूरत है, एक ऐसा डाटाबेस जब कोई संकट का समय आए या किसी प्रकार की स्किलिंग करने की जरूरत हो, कोई ट्रेनिंग की दरकार हो या और भी कुछ फ्यूचर की एक्टिविटीज हमें प्लान करनी हो तो हम कैसे करें, क्योंकि हमारे पास में कोई डाटाबेस नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए काउंसिल ने दो तरह की स्कीम्स लॉन्च की, एक जो है ज्वेलरी सेक्टर्स के ऐसे कारीगर जो असंगठित क्षेत्र से आते हैं जिनका जेम एंड ज्वेलरी इक्सो प्रमोशन काउंसिल से डायरेक्टली कोई ताल्लुकात नहीं है, जो किसी छोटे छोटे शॉप्स में काम करते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हमने एक परिचय कार्ड के नाम से आइडेंटिटी कार्ड बनाना शुरू किया है। उस परिचय कार्ड की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आप सब लोगों को जानना जरूरी है और आप सबको जानना चाहिए, क्योंकि आगे चल के शायद आप इस चीज को हमारे तरफ से भी हमारे ड्राइव करने में हमें सहयोग दे सके। तो परिचय कार्ड की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी खासियत है वो यह है कि किसी आपदा के समय अगर परिचय कार्ड होल्डर हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में हो और उसके हाथ में कोई जोखिम हो, गोल्ड हो, कोई इस तरह की चीजें हो, कोई सरकारी महकमा का व्यक्ति उसको पकड़ ले, तो उसको वेरिफिकेशन करने के लिए हमने उस पर एक मोबाइल नंबर दे रखा है जिसपे उस परिचय कार्ड नंबर को अगर पुलिस अधिकारी SMS कर दे तो उसका कारीगर का पूरा डेटा आ जाता है। तो जो प्राइमा फेसी लोगों के दिमाग में ये होता है कि मैंने किसी कारीगर को पकड़ा है उसके पास में गोल्ड है, तो वो जो चोरी वाला भाव है वो खत्म हो जाता है। दूसरा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो भी ऐसे कारीगर हैं जिनको हम परिचय कार्ड देते हैं उनको हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी साथ में दे रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी है कि 1,00,000 रुपए की पॉलिसी होती है कारीगर के लिए, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर्ड है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स कवर्ड है, इसका कोई बंधन नहीं है, एग्जिस्टिंग कोई भी बीमारी हो वो कवर्ड है, कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता है और 18 साल से 80 साल तक का कोई व्यक्ति उससे पार्टिसिपेट कर सकता है। और ऐसे मेडिकल स्वास्थ्य बीमा योजना का जो प्रीमियम है मात्र कारीगर को 350 रुपए देने होते हैं, 1,000 रुपए जेम एंड ज्वेलरी एक्सो प्रमोशन काउंसिल उनकी तरफ से पेड करती है। तो हम चाहेंगे कि इस परिचय कार्ड को आप जितने भी एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं आप सबसे मेरा निवेदन होगा कि आप अपने लोगों तक इस बात को पहुंचाएं जिससे उनका परिचय कार्ड बन सके और फ्यूचर में जब इस तरह की कोई आपदा आए तो हमारे पास में फर्स्ट तो डेटाबेस हो जिससे हम उनको किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो उसको पहुंचा सकें, और दूसरा उनकी सोशल सिक्योरिटी जो हमने उस परिचय कार्ड के माध्यम से फिक्स किया हुआ है वो उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिल सके। इसमें अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके कारीगर तक कैसे पूरे इंडिया में कैसे पहुंचा जाए। तो अभी हम एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए फिर अपन बोलते हैं कि मैं सभी एसोसिएशन के जो भी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे जीजीपीसी का टाई अप करिए और जो आपके आपके एरिया में जो भी कारीगर है हम आपको एक 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 एक, एक, एक फॉर्म का सर्कुलर बना के देंगे और उसको आप ऑथराइज करिए, क्योंकि हमें ये जरूर जानना है कि वो ज्वेलरी इंडस्ट्री का वो कारीगर है कि नहीं, उसका ऑथेंटिसिटी हम लोकल एसोसिएशन पे निर्भर करते हैं। तो अगर वो हो सकेगा तो हमारा डेटा कलेक्शन थोड़ा फास्ट हो सकेगा। मिथिलेश पांडे जी से कुछ क्लियर करना है पांडे जी के इसको बीच में नहीं आना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं आया, स्टार्टिंग में शुरू किया, अभी वेबिनार शुरू हो रहा है। वेबिनार चालू कर दीजिए। सर आज का हमारा यह तीसरा वेबिनार है KNC के थ्रू, ये तीसरा वेबिनार है जिसमें हम रियलिटी चेक फॉर गोल्ड स्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ करंट स्टेटस
अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड रियलिटी एंड स्टेप्स टू फिल द गैप. जैसे कि ये वेबिनार हम तीन पार्ट में कर चुके, तीसरा पार्ट है ये. इससे पहले हमने ईस्टर्न रीजन के लिए किया था, साउथ रीजन के लिए किया था, और आज हम इसको वेस्ट रीजन के लिए कर रहे हैं. दरअसल ये हम एक्चुअली रियलिटी ये चेक करना चाह रहे हैं, ये चेक हम ये करना चाह रहे हैं कि गोल्डस्मिथ की इस वक्त जो परिस्थिति कोरोना कोविड-19 जो हुआ है पूरे विश्व में, ये एक बीमारी महामारी जो फैली है, उसके बाद की जो स्थिति है, कारीगरों की क्या स्थिति है और वास्तविकता उनके ग्राउंड पे क्या तकलीफें हो रही है, इसके बारे में हमें जानना है. और आज हमारे पास एक बहुत बड़ा भरपूर पैनल आया हुआ है, वेस्ट रीजन से ये पैनल है, जिसके अंदर काफी सारे मेंबर्स है, विभिन्न विभिन्न संस्थाओं से मेंबर है, और सभी से हम बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कारीगर की मूल समस्या क्या है, उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं और उसको किस तरह से बढ़ाते हैं. तो सबसे पहले, क्योंकि हम कारीगरों की बात कर रहे हैं और कारीगरों की ग्राउंड रियलिटी स्थिति अगर हमें जानना है, तो सबसे पहले मैं कालिदास सिन्हा रॉय से बात करूंगा, जो कि जनरल सेक्रेटरी है बंगाली स्वयंसेवक कल्याण संघ के, कि वो हमें ये बताए कि इस वक्त ग्राउंड की स्थिति क्या है, कारीगरों का किस तरह से काम हो रहा है, या कारीगर किस दुविधा में है, किस तरह से उनको तकलीफ है, उसके बारे में वो बात करें. कालिदास जी, बात ये है, सबको मेरा नमस्कार. मदन जी, मिथिलेश जी, मनसुख जी, सबका नमस्कार. नमस्कार जी. बात ये है कि अभी का जवरी बाजार का जो सिचुएशन सिनेरियो है, ये हम लोग थोड़ा थोड़ा मदद पहुंचा रहे, आप सब लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, वो बात सही है, पर जो हम लोग पहुंचा पाते हैं वो हिमशैले का खाली ऊपर का भाग है, उतना ही. नीचे आज मेरा काम क्या हुआ, मैं आपको बोलूं, आज सुबह से ये एलटी मार्ग और पायदनी जुरिस्डिक्शन में वो पुलिस का गाड़ी लेके हमको गली गली में वॉलंटियर देके माइकिंग करना पड़ा, कि कल जो बांद्रा में जो ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा अफवाह फैल रहा है कि ट्रेन छूटेगा, गांव जा पाएगा तो फिर लोग इकट्ठा हो जाएगा, तो हमारा ये बहुत प्रॉब्लम होगा. आपको मालूम होगा कि ये बी और सी वार्ड के अंदर कम से कम अभी भी आज के तारीख में 25,000 से 30,000 लोग रहते हैं कारीगर. हमने दो सेंटर जो रिलीफ काउंटर खोला है, वो दो सेंटर से रोजाना करीब 6,500 लोगों का. हेलो कांटी जी, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए. छह साढ़े छह हजार लोगों का जो फूड है और नाश्ता है वो पहुंचा रहा हूँ अभी भी. आज के तारीख में 135 किट डिस्ट्रीब्यूट किया है, लगभग समझे ना 6,500 लोगों का खाना है. अभी हम इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मदन जी आपको मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का कर रहे हैं कि इन एन एवरेज आज के तारीख में एक यूनिट में 5 अगर लोग रहेगा तो 5 लोगों के लिए करीब 6 दिन का राशन जो है, इवन उसका नाश्ता, जो बंगाली लोग है वो मुड़ी कुरमुरा खाते हैं, तो उसका नाश्ता भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो 6 दिन तक उसको आने का जरूरत नहीं है. थोड़ा एक सिस्टम बनाया है कि हर 15 मिनट में 9:30 से लेके 11:30 बजे. कालिदास जी, शायद आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. मैं कालिदास जी आपकी बात समझ पा रहा हूँ, और जहां तक मैं समझ रहा हूँ आपने कारीगरों के लिए किया है, बट आज हमारी कारीगर की जो समस्या हम देख रहे हैं, तो उसको कारीगर को हम एक ए बी और सी के अंदर 3 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. एक कारीगर वो है जो फैक्ट्री के जिनकी फैक्ट्रियां चल रही है, फैक्ट्री से रिलेटेड कारीगर है. दूसरे कारीगर जो है वो जॉब वर्क कारीगर है, जो जॉब के लिए हमारे पास होलसेलर के पास या किसी के पास आ रहे हैं और कारीगर को हम काम देते हैं. और एक तीसरा कारीगर वर्ग वो है जो कि उन कारीगरों से काम करा के ले रहा है. और आज की स्थिति में सबसे दयनीय स्थिति जो हो रही है वो सी वर्कर्स कारीगर जो है, जिनके ऊपर जो कारीगर है उनकी ज्यादा स्थिति खराब है. तो मैं इस चर्चा के अंदर अगले पॉइंट पे मनसुख जी को लूंगा, और मनसुख जी आपसे समझना चाहूंगा कि फैक्ट्री वाले जो कारीगर है
फैक्ट्री के कारीगर का फैक्ट्री वाले फिर भी ध्यान रख पा रहे हैं, बी वाले कारीगरों का भी उनके पास अपनी एक स्टेबिलिटी है कि वो काम तो कर सके, बट सी जो कारीगर है, सी ग्रेड के जो कारीगर है, वहां तक कैसे रिलीफ पहुंच रही है और वहां उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं? यस मनसुख जी, हेलो मनसुख जी, मनसुख जी, मनसुख भाई का ऑडियो म्यूट अनम्यूट करो, नहीं उनको करना है खुद को। आ रही आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मनसुख जी बोलिए। मनसुख जी, जहाँ तक है फैक्ट्री वालों ने तो लगभग मार्च महीने की सैलरी सबको अपने फैक्ट्री के जो कारीगर उसको दी है, अप्रैल महीने की भी जो उनके जैसे उनका एडजस्टमेंट करेंगे जितनी वो सैलरी दे देंगे, और जो बी क्लास के जो कारीगर आप बता रहे हैं, जो बड़े कारीगर है जिसके नीचे 25-50 कारीगर काम करते हैं, तो बड़ा कारीगर उनका देखभाल कर रहा है, जो डेली वेजेस वाले जो कारीगर है और जो अभी बॉम्बे में रह गए हैं वैसे लोग के हेल्प करने के लिए हमने कालिदास बाबू के साथ में ज्वाइन करके उनको डेली राशन पहुंचाने का और जो भी उनको समस्या आ रही है उसको हेल्प करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैं जीजीपीसी से बताना चाहूंगा, जीजीपीसी ने 51 करोड़ रुपीज इसमें ये कोविड-19 के लिए प्लेज किया हुआ है, उसमें से हमने 21 करोड़ रुपीज हमने पीएम को दिया है और बाकी का पैसा हम ऐसे डेली वेजेस कारीगर वेजेस के जो कारीगर हैं जो 15,000 महीने से कम कमाते हैं उसके लिए हमने एक फॉर्म निकाला है, फॉर्म हमारे पास डिटेल भर के आया है, हमारी टीम 40 लोगों की टीम लगी पूरी ऑल इंडिया में उसको वेरीफाई कर रही है और वेरीफाई होने के बाद में हम उनपे कम कमाते हैं या जिसके पास बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो कारीगर हैं उसकी ऑथेंटिटी चेक करके उसके अकाउंट में 1,500 रुपया ट्रांसफर करने का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अच्छा, यही बात मैं मदन भाई से दोहराऊंगा, जो कि मदन भाई कोठारी जो कि इसमें जीजीसी के फाइनेंस कन्वेनर भी है, तो मदन भाई जीजीसी इस बारे में क्या कर रहा है? जीजीसी इसके बारे में ये कर रही है कि हम लोगों ने काफी डेटा इकट्ठा किया है, कुछ दिल्ली से भी आया है, कुछ कलकत्ता से भी आया है, चेन्नई से भी डेटा आया हुआ है, वो सारे डेटा हम लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं और हमारे पास करीब करीब 15,000 लोगों का डेटा आया हुआ है और वो 15,000 डेटा में से हमने हमारे जो ग्राउंड स्टाफ था जो पहले हमारे स्टेशन में उनको सबको हमने फोन कॉल पे लगा लिया है और वो लोग सब वेरीफाई कर रहे हैं कारीगरों के बारे में कि भाई उनको कितनी जरूरत है और कौन डेटा सही है या गलत है उसका भी वो लोग ध्यान रख रहे हैं और उसका ध्यान रखते रखते एवरी डे हम लोग 300 से 400 लोगों को 1,500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम लोग उसको पहुंचा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने कम से कम 1,200-1,300 लोगों का कारीगरों तक हमने ये फंड पहुंचा दिया है 1,500 रुपए पर है और आगे हमारा ये काम जारी है। कल भी हमारे 200-300 के लगभग लोगों को ये डेटा तैयार हो जाएगा तो उसको भी हम लोग फंड पहुंचा देंगे और एक महीने तक हम लोग करीब करीब 10,000 लोगों तक पहुंचेंगे, ये हमारा टारगेट है और उस टारगेट के अंदर हमारे पास कुछ 50 लाख तक का फंड आया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे जितने व्यापारी हैं वो सब अपने आप सामने आकर हमें कुछ योगदान करें। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है जीजीसी को एग्जाम करें ताकि हमें भी 2-2.5 करोड़ रुपए का जो फंड चाहिए है उसको पाने के लिए हमारे पास अब तक 50 करोड़ और 50 लाख तो आ चुके हैं। 50 लाख रुपए से हम लोग करीब करीब 25-1 लाख रुपए तक का फंड हम लोग बांट भी चुके हैं लोगों को। कारीगरों की बात करते हुए, कारीगरों की ग्राउंड रियलिटी की बात करते हुए, मैं प्रशांत दासु को जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर जो की गोल्डस्मिथ ज्वेलरी एसोसिएशन राजकोट से हमारे साथ में है। प्रशांत जी, आपका क्या अनुभव है कि किस तरह का कारीगर का इसमें इस वक्त समस्या फेस हो रही है? हेलो हेलो, हाँ यस यस प्रशांत जी बोलिए। सुनाई दे रहा है? बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। नमस्कार नमस्कार, मैं राजकोट से बोल रहा हूँ और यहाँ से राजकोट का जो ग्राउंड रियलिटी है, देखा जाए तो राजकोट बहुत छोटा सिटी है लेकिन इसके अंदर लगभग आपको सबको मालूम होगा, खास करके जीजेपीसी को, सब टाइप का काम होता है और गैदरिंग के हिसाब से अगर संख्या के हिसाब से गिना जाए तो लगभग 30,000 से 35,000 गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, इमिटेशन ऑर्नामेंट्स में यह काम में लगा हुआ है। यहाँ जितना प्रॉब्लम हमने सेव किया है, इधर देखा है लोकल जो एसोसिएशन है 4-5 एसोसिएशन से मिल के ये डेली बेस में जितना हो सके अपने खुद के फंड में से ये किट पहुँचा रहा है, ये कर रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि ये हमारे साथ जो अलकनाथ जी है, अशरफ भाई करके है, साजन भाई करके, ये सुबह से शाम तक उसके हिसाब से दूसरे एसोसिएशन के दूसरे ग्रुप के साथ एक कट्टर होकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जो प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में जो प्रॉब्लम हो रहा है कारीगर के पास, जो अपने मजूरी होता है, मजूरी बेस पे काम करता है, डेली बेस पे या मंथ बेस पे जो काम करता है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कैश की। कैश की जहाँ तक प्रॉब्लम है, किसी के पास गोल्ड या रॉ मटेरियल पड़ा है वो बेच नहीं पाता है। तो इसके लिए हम सुबह आज ग्रुप चार पांच आदमी मिलके, हमारा सब मेन जो एसोसिएट संभालते हैं, हम कलेक्टर ऑफिस में गए थे सुबह, ये कुछ बुलियन को परमिशन दिया जाए ताकि वो गोल्ड लेके पैसा दे सके। जहाँ तक बैंक खुला है उसके लिए भी वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ कहाँ तक हमने 95% ऐसा बोल सकते हैं, 99% हम सक्सेस है। शाम तक जहाँ तक मिस्टर अलोकनाथ जी मैं कॉन्फ्रेंस में भेजी था, तब तक मुझे इन्फॉर्मेशन किया है अशरफ भाई और अलोकनाथ जी सब कलेक्टर ऑफिस में जाके उन्होंने राजी हो गया। जो उन्होंने यहाँ तक बोला है जो जो बुलियन खुलना चाहता है तो उनको आईडी प्रूफ और प्रूफ दे दीजिए, तो हम दो चार करके हम परमिशन देंगे, जाते हो ले बेच करेंगे। हम ये बोलना चाहते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट है, ये दिखा कि हम दूसरे सिटी में भी हम बोल सकते हैं जो कलेक्टर ऑफिस में अगर परमिशन दिया है गोल्ड ज्वेलरी को या बुलियन को जो ले बेच करने के, दूसरे सिटी में ऐसा चालू किया जाए जहाँ तक जो कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है गोल्ड। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है आपका कि दरअसल इसी बात को, और मैं इसमें भरत ओसवाल जी का भी हमने किया था सर, इसी में भरत ओसवाल जी का भी ओके, मैं इसी में भरत ओसवाल जी का भी व्यू लेना चाहूंगा जो कि कोल्हापुर जिला शराब संघ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं भरत जी ओसवाल से बात करना चाहता हूं, ठीक है बाद में बोलता हूं मैं। हां जी यस सर, यस सर, सेकंड राउंड में हम सबको ले लेंगे। भरत जी ओसवाल जी, मैं कोल्हापुर जिला शराब एसोसिएशन से कोल्हापुर से बिलोंग करता हूँ, और कोल्हापुर करीबन ये गोल्ड एंड सिल्वर ये जो अपनी इंडस्ट्रीज है, ये महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ने के बाद सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज करीबन 25-30 हजार लोग इसके ऊपर निर्भर है। तो सबसे पहला कि करीबन 20 दिन हुआ तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। जब ये थोड़ी देर पहले किसने बताया था कि हमने ए बी सी इसमें डिवाइडेशन किया है, वैसा हमारे यहाँ फैक्ट्री बड़े पैमाने पे काम करने वाले की संख्या बहुत कम है। बी कैटेगरी में बहुत आते हैं जे जॉब वर्क छोटे छोटे करके 15-20-25 कारागिर लेके उभरी है, इधर उत्तरेश्वर है, छोटे छोटे कोल्हापुर सिटी में जो गोल्ड ज्वेलरी का, एंटीक ज्वेलरी, टेम्पल ज्वेलरी का काम करते, तो ये अनऑर्गेनाइजिंग यहाँ सब सिस्टम है। मगर अभी 15-20 दिन पहले तक तो कोई प्रॉब्लम आया नहीं। हर एक की संगठना है, इधर जो समझा महाराष्ट्रीय कारागिर है उन लोगों की संगठना है, उनको बोला था कि कोल्हापुर जिला एसोसिएशन के हिसाब से कुछ मदद जाए तो हम कर रहे हैं उसको। अभी बंगाली एसोसिएशन है जो वहाँ बेस्ट बंगाली जो अच्छे अच्छे उनकी कारागिरी चलती है, वो लोगों ने उन्होंने जवाबदारी ले ली है कि भाई साहब आप चिंता मत करो, हमारे पास जो फंड है जब तक खाने पीने की जो चीज है वो आप तक प्रॉब्लम तक हम नहीं आने देंगे, क्योंकि इधर के हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर है करीबन 600-700 मेंबर उनके है, तो वहां तक का प्रॉब्लम है नहीं। मगर अभी आगे मुझे ऐसे बहुत लग रहा है कि अभी प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गया है। पहले मेरी बात हो गई थी हमारे इधर के महाराष्ट्र जो अध्यक्ष थे कारागिर लोगों के, उनका फोन आया था कि थोड़ा राशन का अपने को करना पड़ेगा, तो हमने एक किट तैयार किया है कि जिसके अंदर आटा, गेहूं, चावल, शक्कर और तेल, ऐसे करीबन एक 600-650 रुपया का किट किया है, जो हर छोटे छोटे अपने हाथ से करके लेते हैं और कारागिर के घर पे खाना नहीं है उन लोगों को किट देना कल से हमने चालू किया है। और आगे अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी रोल जो बहुत बड़ा आने वाला है उसके अंदर, तो मैंने जीजेसी और जीजेईपीसी, ये जो अब जीजेसी वाले ने तो बता दिया है कि हम लोगों ने 1500-1500 रुपया देना चालू कर दिया है। मैंने मतलब मिथिलेश जी थे और अपने मनसुख भाई आप हो, जीजेईपीसी से करीबन 15-20 दिन से चल रहा है कि आप मुझे हमको डाटा दीजिए, मगर अभी तक कोई वहां से ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं हो रहा कि वहां से पैसा अपने पास आ रहा है। तो मेरे को हम बस इसी बात को मैं जोड़ते हुए मिथिलेश जी को अंदर लूंगा कि मिथिलेश जी जीजेपीसी क्या कर रहा है, क्योंकि आप वहां के एसएमई के डायरेक्टर भी हो,
और आपने जो कारीगरों के लिए परिचय कार्ड का एक जो इनिशिएटिव लिया था उसको भी चलाया था, तो उसको आपने किस दिशा में आप काम कर रहे हो और ये जो ग्राउंड पे हमारी जो कारीगरों की स्थिति बन रही है इसके लिए क्या कर रहे हैं मिथिली जी? पांडे जी, पांडे जी म्यूट म्यूट करिए, अनम्यूट करिए मिथिली जी, गांधी जी उनको अनम्यूट कर दीजिए। इनफैक्ट मनसुख भाई वो मृणालिनी करके है, मैंने उनको भी फोन किया था, पांडे जी के साथ में है। क्रांति जी आप अनम्यूट करिए क्योंकि यहाँ से नहीं हो रहा है, आपने वहां से ब्लॉक किया हुआ है। सर तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यस पांडे जी आप जानते हैं कि डीजे संक्षेप में रखेगा जो भी फंड दिया जाता है। हाँ नहीं, बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। डीजेपीसी का जो भी फंड है पूरा ऑडिटेबल है, तो हमने डेटा लोगों से कलेक्ट किया हुआ है। डेटा मिलने के बाद में जैसे हमारा एक सिस्टम है कि दोबारा हम उसको वेरिफिकेशन भी करते हैं कि जो डेटा आया ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो हर जगह पे हमारी जो मनसुख भाई ने आपको थोड़े समय पहले बताया कि 40 लोगों की टीम लगी हुई है, जहां से भी डेटा आया हुआ है उसको हम कॉल कर रहे हैं। वेरिफिकेशन होने के बाद में जैसे ही वेरिफिकेशन हो जा रहा है तो उसको फेज मैनर में हम पैसा डिसबर्स करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई डिले नहीं है। लेकिन मिथिलेश जी का अगर एक भी पैसा जाए। हाँ जी मिथिलेश जी, जैसे कि चूंकि आपका ये फंड रिलीज होकर मेरे हिसाब से आज 15 दिन के ऊपर उसकी घोषणा हो चुकी है, और 15 दिन के बाद भी अगर किसी को भी एक भी पैसा नहीं मिल रहा है तो लोगों का ये मन में भावना हो रही है। नहीं प्रकाश जी, ये शुरुआत क्यों नहीं हुई? प्रकाश जी, प्रकाश जी, जीजेपीसी एक ऑडिटेबल गवर्नमेंट बॉडी है, सीएजी की ऑडिट होती है, तो ये सब प्रोसेस में जाना पड़ता है। हमें कंपनी एफएस मिनिस्ट्री से इसको अप्रूव कराना पड़ा और सब कुछ सिस्टम में करना पड़ा, मतलब वो एक अलग तरह का अलग लेवल का एक काम होता है। अभी सब कुछ हो गया है, अभी मंडे से हमारे काफी डेटा कलेक्ट होने लग गया है। शायद आप लोग आज 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 बुधवार है, शायद गुरु शुक्रवार फ्राइडे या सैटरडे से पार्ट पार्ट में रिलीज होना चालू हो जाएगा, और हमें कोई हमें 1000-2000 नहीं, हमें करीबन नहीं तो एक लाख कारीगर को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1-1.25 लाख कारीगरों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, कुछ ऑथेंटिक चेक करनी चाहिए, जैसे हम ऑथेंटिक चेक कर रहे हैं, काफी इसमें जरी के कारीगर है, उन्होंने भी अपना नाम डाल दिया है, काफी जो कारखाना के जो सेठ हैं जो उन्होंने भी अपना नाम डाल दिया है, वो ऐसे बहुत सारे काफी सारे रिटेल स्टोर के स्टाफ है, उन्होंने भी अपना नाम डाल दिया है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जो सी क्लास के लोग हैं, जो 15,000 से नीचे जो पैसा कमाते हैं और जिनको रियल जरूरत है, उनको पैसा पहले पहुंचे। नहीं, मुझे इसमें एक लगता है कि आप थोड़ा उसमें क्या करना कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, जो जो एसोसिएशन के वहाँ के लीडर जो है, आप वहाँ का लिस्ट आता है तो लिस्ट भेजे, या इधर समझो मैं कोल्हापुर में बिलोंग करता हूँ, तो भाई ये लोग है अपन, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि 1000-1500 रुपया एक कोई शराब सुवर्णकार वो लेके कोई बहुत बड़ा होने वाला है। मगर मेरी रिक्वेस्ट हम्बल ये है आपको कि 15-20 दिन से यही चल रहा है, ये नहीं, नहीं, वो बराबर है, अभी हो गया सर, अभी सब प्रोसेस सेट करने में टाइम लगा है, हो गया है। सॉरी पांडे जी बताइए, पांडे जी बोलिए। भरत भाई मैं आपको बता दूं कि जो आपने कहा कि हमने पहले एसोसिएशन के थ्रू ही सारी एक्टिविटी ड्राइव करी थी, हमने पहले एक्सेल में लोगों से डेटा मंगाए थे, लेकिन जैसे डेटा की स्क्रूटनी हमने स्टार्ट करी तो आप भी बिलीव नहीं करेंगे कि उसमें कुछ किसानों के नाम है, एग्रीकल्चरिस्ट है, कुछ जड़ी के कारखाने में काम करते हैं। तो इस तरह की वेरिफिकेशन के बाद में फिर हमने एक लिंक क्रिएट किया, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमारा जो डेली वेजेस कारीगर है उस तक हमारा पहुंचे, और ये कोई वन टाइम हेल्प नहीं है। डीजेपीसी ने 3 मंथ का पूरा प्लान किया हुआ है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो इसलिए जो स्टार्टिंग में जो भी डेटा वेरिफिकेशन में हमारा टाइम जा रहा है निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि काउंसिल का एक एक पैसा ऑडिटेबल है, और एक बार इस डेटाबेस कंप्लीट फिल्टर होके बन जाएगा तो फिर दोबारा वाले उसमें कोई चीज की डिले नहीं होगी। और उसके आगे जो हमारा परिचय कार्ड का काम करना है तो ये डेटाबेस पे ही हमको आगे काम करना पड़े, तो ये इसको ऑथेंटिक करना चाह रहे हैं डेटाबेस को। नहीं नहीं कोई बात नहीं, और हाँ ये आपका एडवाइस अच्छा है भरत जी, जो एसोसिएशन का शायद हम कल एक जूम मीटिंग कर सकते हैं, इंडिया के सारे जो कारीगर एसोसिएशन से जूम मीटिंग करके उनसे सजेशन लेके उसको आगे बढ़ सकते हैं। बस मुझे ये सजेशन तो ये सजेशन मैं पहले ही दिया था। कालिदास जी ने कहा था, लेकिन जो क्राइसिस चल रही थी ना, ये कंटिन्यूअस क्राइसिस, तो वेरिफिकेशन जब स्टार्ट हुई तब तक 3-4 नहीं, क्या हो रहा है मिथिलेश जी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बीच में अपना कर्ज माफी योजना हुआ तो इतने नॉर्म्स डाल दिए कि जिसको चाहिए उसको मिला ही नहीं, जिसको चाहिए उसको मिले, और अभी काम ऐसा होना चाहिए, अभी गरज है लोगों को। भले मैं बोलता हूँ कि कोई गलत 1000 रुपया 1500 रुपया से होगा नहीं, मगर
कोई केक भले 50 लाख फंड आप तुरंत रिलीज करो कि जेने की हो जाएगा बोल सके। मैं आपको बता दो दिन में शुरू हो जाएगा भरत जी, मैं आपको फोन करूंगा, 2 दिन में शुरू हो जाएगा। जी 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 ओके थैंक यू वेरी मच। एक एक मुझे कहना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम खाने का प्रॉब्लम इतना नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है जो कारीगर, मैं बॉम्बे का बात कर रहा हूँ मदन जी, जो कारीगर इधर काम कर रहे हैं वो महीने में 10-12-15 हजार रुपया कमाते हैं, तो 15 हजार में उसके लिए वो 3,000-4,000-5,000 जो भी उसका खर्चा है, खर्चा करने के बाद 8-10 हजार एक कारीगर के पीछे ही ना नवर 4 आदमी, उसका माँ बाप होगा, उसका बीवी बच्चा होगा, वो 4 आदमी का खाने के लिए वो पैसा भेजता है, वो पैसे का क्या होगा उसका? कालिदास जी इसी बात पे, कालिदास जी इसी बात पे मैं आता हूँ। नहीं मुझे मुझे एक बोल ये मेरा एक ये पहले दिन से मेरा एक बात ये कर रहा था, ये जीजेसी है, जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जीजेपीसी है ये, और क्षेत्रीय आपको होलसेल ज्वेलर्स एसोसिएशन जो भी है, ये अहमदाबाद का, राजकोट का, इधर का उधर का जितने भी एसोसिएशन है, सबको एक व्हीप क्यों नहीं देता है कि आप आपका कारीगर का इतना ख्याल रखो कि उसका रोटी चलता रहे, रोजी तो बंद है, रोटी चलता रहे, इतना ख्याल रखो। यस कालिदास जी, वो अकेला का नहीं, उसके पीछे चार है कालिदास जी, इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। ये आप दरअसल हमारी जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर यही होता है कि फैक्ट्री के वर्कर्स तो पेरोल पे है, उनको पेरोल मिलना है, बट जो हमारी जो एमसी जो हम लोग मशीनरी कॉस्ट पे कर रहे हैं या वेस्टेज वाला जो काम कर रहे हैं जॉब वर्कर कारीगर, उनकी दिक्कतें हैं, और उनकी दिक्कतों के लिए वो किसी भी दुकानदार का जब काम कर रहा है, तो मेरा सभी दुकानदारों से निवेदन है कि आप अपने कारीगरों का बिल्कुल ख्याल रखिए, और हो सके तो उनके अंदर 3-3, 4-4 कारीगर को आप गोद ले लीजिए, या उनको कीजिए कि आप एक कारीगर का अगर समस्या आप ले सकते हो, कारीगर को उसकी पूरी आप उसको पूरा हेल्प दीजिए कि ताकि वो कारीगर पूरी तरह सर्वाइव कर सके। ये मेरा सभी से निवेदन होगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डाटा का जब हमारी बात निकल रही है तो मैं सुरेंद्र जी को बीच में लूंगा, सुरेंद्र जी मेहता जी जो कि नेशनल सेक्रेटरी है इंजा के, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि डाटा के बारे में हमारी इंडस्ट्री में काफी ये बात हमेशा रही है कि जब भी हमें एक बड़ा आंदोलन क्रिएट करना होता है तो हम कारीगरों का बात करते हैं, उसके सिवाय काफी एसोसिएशंस अपने अपने लेवल पे काम करती है, लेकिन कारीगरों के लिए हमने कभी डाटा बनाने की नहीं सोची, हमने कभी उनका एक डाटा पूरा किया नहीं, और इंडस्ट्री को इसीलिए हम शायद एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर पाए पूरी तरह कि हमारी इंडस्ट्री किस तरह से काम करेगी। सुरेंद्र जी आपका इस बारे में प्रकाश जी मैं बताना चाहूंगा आपको, डेटा क्रिएशन का काम हमने नहीं किया ऐसा नहीं है, जीजेपीसी लास्ट 3 इयर्स से इस प्रोसेस को ड्राइव कर रही है। मैं पांडे जी ऐसा नहीं कह रहा, प्रकाश जी ये हमने आपके एसोसिएशन को भी बोला कि आप एसोसिएशन इसमें टाई अप करो आप, और आपके एसोसिएशन से हमको डेटा का काम करो, तो ये तो क्या होगा, ग्राउंड में जो एसोसिएशन है, राजकोट में जो एसोसिएशन है, मुंबई में जो एसोसिएशन है, उनको सबको टाई अप करना पड़ेगा तो डेटा कलेक्शन होगा, काउंसिल पूरे इंडिया में पहुंच नहीं पाएगी। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी एसोसिएशन हैं इंडिया के, जितने भी एसोसिएशन हैं, कारीगर के एसोसिएशन हैं या सराफा एसोसिएशन है या होलसेल एसोसिएशन है, ये आपको हम सबको मेल कर देते हैं, आप जीजेपीसी से टाई अप करिए और डेटा कलेक्ट करने में हमको हेल्प करिए। बिल्कुल आपके, इसीलिए मैं सुरेंद्र जी से इसके बारे में राय जानना चाहता हूं। सुरेंद्र जी सॉरी, देखिए हम लोग क्या हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम अपनी देशव्यापी समस्याएं हैं, कुछ अपनी लोकल समस्याएं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि सब समस्याओं को एक साथ में जोड़ रहे हैं। अगर हम समस्याओं को इस तरह से एक साथ में जोड़ेंगे तो हम कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आज की तारीख में जब पूरा नेशन वाइड लॉक है, सब कुछ बंद है, तो कालिदास जी ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना कोई भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी को पहुंचा नहीं सकेगा, वहां के लोकल ज्वेलर्स को उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। आप जब बंदी है, जैसे मैं जेजीपीसी का अच्छा स्टेप है, जीजेएफ का भी अच्छा स्टेप है, सबके स्टेप अच्छे हैं, मैं स्टेप की मना नहीं करता, लेकिन क्या फायदा, आप 1500 रुपया उसको देंगे, आज से 3 महीने बाद देंगे, उसका क्या फायदा होने वाला है, तब तक तो भूखा ही मर जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हम लोग, मेरा कहना है
कि जवेरी बाजार वाले जवेरी बाजार का ध्यान रखो, अंधेरी वाले अंधेरी का ध्यान रखो, देहरादून वाले देहरादून का ध्यान रखो, राजकोट वाले राजकोट का ध्यान रखो। प्रॉब्लम को हम लोग क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जाने कोई प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना की तरह हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई डेटा नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। लोकल जितने भी ज्वेलर्स एसोसिएशन है उनको अपने अपने कारीगर की और उनके फैमिली की मदद करनी पड़ेगी। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इधर बैठे बैठे 6 लाख लोगों का डेटा आ गया, हम 6 लाख लोगों को कैसे पैसा देंगे? पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल बेटा जी की बात से समर्थन करता हूं। और अभी अभी मैं आपको बताऊं, हम लोग एक एसोसिएशन मिलके सब फंड कलेक्ट कर रहे हैं, तो द रिस्पॉन्स इज वेरी पुअर। हमारे देश में हम जब भी एक्साइज होती है, स्ट्राइक होती है, 6 लाख ज्वेलर है, जब पैसा देने की बात आती है तो 60 ज्वेलर पैसा नहीं देते। ऐसा थोड़ी काम होगा। तो ऐसा काम होने वाला ही नहीं है। जो लोकल एसोसिएशन है उनको अपने अपने कारीगर की मदद करनी चाहिए, अपने अपने स्टाफ का ध्यान देना चाहिए। इससे ज्यादा यदि कोई कारीगर भी एक्सपेक्ट करता है या कोई एसोसिएशन सोचता है कि वो कर सकता है, वो अटर फेलियर हो जाएगा। वो पैसा तो दे देंगे, आप 1500 रुपया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भूखा मरेगा, उसके बाद ही पहुंचेगा पैसा, उसके पहले पैसा पहुंचेगा नहीं उसको। सुरेंद्र जी, इसमें मैं किसी एसोसिएशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात में ये बात बिल्कुल सही बात निकल रही है कि जितने भी छोटे एसोसिएशन है, स्मॉल स्टेट एसोसिएशन, स्मॉल लोकल एसोसिएशन, उनको बहुत बड़ा एक बूस्ट देना चाहिए और उनको आगे बढ़कर इस तरह का ये काम हाथ में लेकर अपने अपने कारीगरों को ये इस वक्त एक बहुत बड़ी जरूरत है कि हमारे कोई कारीगर बंधु, कोई कारीगर भाई भूखा ना सोए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात पे सभी सहमत होंगे। मैं एक ऐसा हो सकता है क्या, खाली एक मैं सुझाव है कि जो सुरेंद्र जी ने बताया है कि लोकल एसोसिएशन से अपने अपने एसोसिएशन उधर काम करते हैं, वो कर रहे हैं ऑलरेडी। आज 20-25 दिन जो चल रहा है ना, वो पूरे अपने छोटे छोटे एसोसिएशन हमारे यहाँ कोल्हापुर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जितने जितने एसोसिएशन हमारे कनेक्ट है, हमने उनको बोला है। क्या ऐसा कर सकते हैं क्या? एक मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो डाटा बेस, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया अभी और कालिदास जी ने भी बताया कि उसको पैसा हाथ में आने तक 3 महीने चले जाएंगे, अभी खाने का जो प्रॉब्लम है, तो आप जीजेसी और जीजेईपीसी के और से कोई एसोसिएशन से मेंबर का डाटा लेके या उन एसोसिएशन को डायरेक्ट उनके अकाउंट में कुछ, ताकि हिसाब आपको देगा। एक भरत ऐसे कर सकते हैं क्या? मेरी सुझाव है मेरा भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी। आईबीजे फ्री मेंबरशिप देता है। आईबीजे की मेंबरशिप का 1 रुपया नहीं है तो भी लोग मेंबर नहीं बनना चाहते। आप कैसे डेटा लेके आएंगे? आप कैसे डेटा? हम लोग ऑनलाइन खाली आपको नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, जीएसटी नंबर लिखना है, तो भी लोग मेंबर नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको वो मेंबर बनने से डरते हैं। वो सोचते हैं हमारे से कभी पैसा मांग लेंगे, तो मैं ना बोल रहे हैं। ये तो हर जगह है सुरेंद्र जी, ये नहीं, इसीलिए कहता हूँ जी। मैं इसीलिए मेरा कहना क्या है कि हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में बांट दे। एक अकेला हम उसको लेके नहीं चल सकते। हम एक्साइज में थे ना, जब खुद के बिजनेस का वक्त आता है तो 6 लाख लोग स्ट्राइक पे चले गए, जब पैसा देने का वक्त आता है तो मुझे कोई 600 आदमी से पैसा लाके दिखावे, कोई दिखा सकता है? मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं है, वो बात बराबर है। हम लोग जवेरी बाजार में ट्राई कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। सही बात है, सही बिल्कुल अच्छे बड़े बड़े होलसेलर मैन्युफैक्चर भी अभी तक उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। We should divide the problem and hand over the local problem to local people. कि भाई आप local, अगर कोई आदमी कल्याण के अंदर या डोंबिवली में किसी ज्वेलर का काम करता है ना, तो वो कारीगर उस ज्वेलर के पास जावे कि भैया तुम मेरे को कुछ मदद कर दो। Yes, yes. This is the only solution. बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके अंदर ये हम लोग क्या, एक मिनट प्रकाश जी, मैं जरा सा रोकता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करना चाहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर बीमा योजना, कभी नहीं सक्सेस होगा। वहां पे करप्शन चलता है, इधर थोड़ी करप्शन चलाना है। सही बात है, परफेक्ट, 100%। थैंक यू। चलिए आगे जी। मैं
मैं सुरेंद्र जी ने बहुत परिपेक्ष में ये बात ली है, बट इसका कहीं ना कहीं ये कारण ये भी है कि अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा एक इश्यू भी रहा है। मैं मदन जी को इसमें इन्वॉल्व करूंगा, और जीजेसी का जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई कि अगर हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो क्यों नहीं ये ग्राउंड लेवल तक जो ग्राउंड पे एसोसिएशंस काम कर रही है वो जब ये क्वेश्चन करे कि भाई कि किस तरह से ये अकाउंट किस तरह से आपका अमाउंट खर्चा हो रहा है, या किस तरह से आप कारीगरों का काम कर रहे हैं, या किस तरह से आप काम कर रहे हैं, उसका अकाउंटेबिलिटी दिया जाए तो शायद ये पिक्चर बहुत सारा क्लियर हो सके। मदन जी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, डेटा तो हमें काफी एसोसिएशन से आ रहा है और हम भी चाहते हैं कि एसोसिएशन हमें सपोर्ट करे, एसोसिएशन के थ्रू हमारा पैसा जाए। और अभी जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि हर एरिया का आदमी या हर एसोसिएशन या हर व्यापारी अपने कारीगर को देखेगा तो ही वो काम होगा, सेंट्रल की तरह काम नहीं होगा। हम एक सेंट्रल की तरह काम कर रहे हैं, हमारे पास जो डेटा आता है उस डेटा को हम लोग वापिस वेरिफिकेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उसके अंदर त्रुटियां तो रह ही जाती है। उसके अंदर हम नहीं कह सकते कि त्रुटियां नहीं रहेगी, क्योंकि डेटा जब कलेक्ट होता है तो जैसा भी मनसुख ने जी बताया था कि जरी वाले भी आ जाते हैं, एग्रीकल्चर भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाते हैं, डेटा इसी तरह आता है और उस डेटा को हम लोग भी वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमारे सारे एसोसिएशन हमें भी सपोर्ट करे कि वो भी हमें दे डिटेल कि भाई हमें ये हमारे कारीगर है और इनको आप डायरेक्ट दे दीजिए तो हम वो भी देने के लिए तैयार है। और हमने अपनी तरफ से किया है और वो हम सारा डेटा हम आपके अपने रिकॉर्ड पे रखा हुआ है, आप जब भी चाहे तब मांग सकते हैं, हम दे सकते हैं और हम एक दूसरे को शेयरिंग भी करेंगे। क्योंकि एक मोबाइल नंबर जो ऐसा है जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे एसोसिएशन ने किसको दिया है, आपके एसोसिएशन किसको दे रहे हैं। हम सिर्फ मोबाइल डेटा एक्सेल में डालकर आधार या मोबाइल यूनिक नंबर बना सकते हैं, तो वो मोबाइल डेटा से भी हमें पता चल जाएगा, हम एक दूसरे के आसपास में हम अरस परस करेंगे। देखो सुरेंद्र जी से बात से मैं सहमत हूँ, इसको आप छोटे छोटे यूनिट में बांटो, छोटे छोटे एरिया में बांटो और उसको लो। देखो सबसे बड़ी जवाबदारी है एसोसिएशन की, जवाबदारी है जो लोकल एसोसिएशन उनकी जवाबदारी, प्लस जो ज्वेलर्स हैं, जो 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 मैन्युफैक्चरर होलसेलर है उनकी जवाबदारी है अपने कारीगरों को संभालने की। तो बेसिक जवाबदारी सब लोग निभाओगे तो ये मामला ऊपर तक नहीं आएगा। तो ये और ये खाने ये जो राशन का जो ये है, ये बेसिक जो काली बाबू बोल रहे हैं अभी खाली खाने का काम है, ये शायद लोकल एसोसिएशन और लोकल ज्वेलर्स मिलके अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो इसी चर्चा में लेते हुए मैं जो ईश के मॉडरेटर थे रवि करियाल जी को, उनको भी मैं इस चर्चा में शामिल करूंगा, और जो हमारे साउथ के मॉडरेटर थे चेतन कुमार जी मेहता, उनको भी मैं दोनों को शामिल करूंगा चर्चा में, और कहूंगा कि उनको अगर कोई पैनलिस्ट से कोई भी क्वेश्चन हो तो उनका जवाब दिया जाए। देखिए पैनलिस्ट से क्वेश्चन तो, नमस्कार जी, मैं रवि बोल रहा हूं, पैनलिस्ट से क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, और समस्या जो है वही है कि भाई कारीगर को आज के टाइम में खाना चाहिए है, और समस्या जो है वो किसी एसोसिएशन से भी नहीं है, कुछ सुझाव है। सुझाव ये है कि चाहे जीजेसी हो चाहे जीजेपीसी हो, अब क्या होता है कि जब हमें डाटा कलेक्ट करना होता है तो हम अभी भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग डाटा 3 साल से कलेक्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, और आप कर भी रहे हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। अभी कालीचरण बाबू ने कहा था कि जब हमें राशन बांटना है तो हम स्पीकर लेके माइक लेकर के जाते हैं, तो कि कारीगर खुद से चल के आके हमारे ऑफिस में डाटा दे देगा, वो संभव नहीं है। तो हमें भी जहाँ कारीगरों का क्लस्टर है वहां पर कैंप करने चाहिए, जीजेसी का हो जीजेपीसी का हो, कि भैया ये कैंप है, ये 15 दिन चलेगा और आपके बगल में है, आप आकर के अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा और आपको जो है आपको आगे आगे आपकी समस्या का समाधान होगा। मेरा ये सजेशन है। मेरी बात कम्प्लीट हो। दूसरा ये है कि ये जो छोटे छोटे एसोसिएशन या छोटे छोटे ज्वेलर है, इनको क्या है कि अपने अपने लेवल पे काम करना ही होगा। एक एक आदमी को 10 कारीगरों का जो बोझ उठा सकता है उसको 10 को लेना होगा, कोई 2 का बोझ उठा सकता है उसको 2 को लेना होगा, और लेकर के ये 3-4 महीने हमें निकालने होंगे। कोई भी एसोसिएशन चाहे जीजेपीसी हो जीजेपीसी हो, पूरा काम किसी भी कारीगर का पेट 3 महीना तक कोई नहीं भर सकता है। हम लोगों को अपने लेवल पे छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए।
और तीसरी एक बात है जो अभी राजकोट से किसी भाई ने कही थी कि अगर हम बुलियन का ट्रेड जहां पर हमारे कारीगर क्लस्टर्स है वहां पर अगर हम बुलियन को चालू करवा पाए तो बहुत सारे कारीगर ऐसे हैं जो अपना वीकली जो है 2 ग्राम 4 ग्राम सोना बेच के वो अपना काम चलाते थे, उनका काम अभी रुक गया है। तो हेलो तो उनका काम रुक गया है तो उनको भी जो है अगर उनका सोना बिक जाए तो शायद बहुत सारे लोगों की काम वैसे भी चल जाए। और जहां तक कालीचरण जी ने कहा था कि भाई इनके घर में भी बहुत सारे लोग हैं, इनके पीछे 4 लोग हैं, तो आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो बैठी नहीं है, वो भी हेल्प कर रही है। कोई उज्ज्वला योजना के थ्रू उनके बैंक में पैसा जाता है, कहीं कहीं जनधन के रूप में पैसा जाता है, कहीं किसी और रूप में पैसा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाता ही है। हमें जो करना है वो हम ये कर सकते हैं कि हमारी जो है छोटी छोटी एसोसिएशन अपने छोटा छोटा फर्म दिवाए और एक ज्वेलर भी अपने 4 कारीगर 10 कारीगर को जिनको वो ले सके उनका वो खर्चा चलाने की हिम्मत आगे बढ़ाए तो हम कर सकते। और जीजेईपीसी और जीजेईसी से यही है कि भाई आप लोग ऐसे कैंप करिए, हम लोग अपनी ऑफिस में बैठ करके और हम 50-25 कारीगरों को अगर हम परिचय कार्ड देने के लिए एक इवेंट बनाएंगे कि आज हम एक इवेंट है कि हम कारीगरों को परिचय कार्ड बांटेंगे, तो ये इवेंट नहीं करके इसको एक मैनेजमेंट के रूप में आप क्लस्टर्स में जाके अगर कैंप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चेतन जी अपनी बात रखिए। नमस्कार सबको। और मेरा एक प्रश्न है कि मनसुख भाई से कल जैसे मेरे बात हो रही थी महेंद्र जी से, तो मैं बता रहा था कि अपना जो फॉर्मिंग का सिस्टम है बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है और काफी डेटा हमारे पास नहीं है, तो मैंने बोला कि जल्द से जल्द ये चीजें उभर के बाहर आए और हम ये जल्दी से जल्दी पैसा पहुंचा सके। ये बहुत मेरे को लगता है कि इतनी बड़ी तकलीफ इतनी इजी से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हमको पुश स्टार्ट मिलेगा थोड़ा बहुत, अगर पैसा किसी के अकाउंट में जाएगा तो थोड़ा बहुत पुश स्टार्ट मिलेगा आगे जाने के लिए। तो मैंने कल महेंद्र जी को बोला था कि थोड़ा इजी प्रोसेस करे, जो प्रोसेस बहुत टफ है थोड़ा सा। और मैंने जीजेसी चेयरमैन को भी बताया कि बाबू सर को के जो आप 1500 दे रहे हो वो बहुत कम है, उसकी नकद भी थोड़ी बढ़ाएं। तो ये चीजें दोनों मैंने दरख्वास्त की थी और मैंने ये बोला था कि सब अपने अपने स्टेट के सिटीज वाइज एसोसिएशन मिल जाए और अपने अपने गांव अपने अपने स्टेट अपने अपने सिटीज को अगर एक दूसरे का साथ दो तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपनी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हम अपने साथ अपने अपने स्टेट और अपने अपने सिटी के एसोसिएशन को अगर भरपूर हम सपोर्ट करें, जैसे जिसका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है बिकॉज उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओनर्स उनका लगभग ध्यान रख रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जो जॉब वर्क पे काम करते हैं, जो 10-15 लोगों का काम करते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उनको मुझे लगता है कि आपस में जो अपने को काम दे रहे हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करे तो ये चीजें और बेटर हो सकती है। बाकी तो मुझे लग रहा है खाली पेट कोई नहीं सोए, ये हमारा मुद्दा अभी होना चाहिए, बाकी का तो हम आगे जो होगा फिर आगे हमको और सपोर्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल। और मैं सारे एसोसिएशंस के जो हेड है जिसमें आज हमारे पास जीजेईपीसी से है, जीजेसी से है, इब्जा से है, एक जो बहुत जो लगातार प्रश्न मुझे मिल रहे है उसके अंदर ये आ रहा है कि हमने काफी बड़ा फंड इकट्ठा कर रहे हैं बट एक अमुक फंड बहुत बड़ा फंड, जैसे कि जीजेईपीसी ने भी कहा कि 21 करोड़ का फंड हम पीएम रिलीफ फंड में दे रहे हैं, किसी ने कहा कि हम सीएम रिलीफ फंड में दे रहे हैं, जबकि हमारी समस्या हमारे कारीगरों की बहुत बड़ी समस्या, काफी फंड उनको जरूरत है, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि हम बहुत सारा फंड वहां दे रहे हैं। लोगों के मन में ये भी एक शंका है और इसी के अंदर जो छोटे एसोसिएशन है वो भी जुड़ते हुए यही कर रहे हैं कि वो भी एक अमुक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करने के बाद वो सीएम फंड या पीएम फंड में देने चले जाते हैं, एक फोटो निकल रहा है, काम हो रहा है, तो इसके अंदर उनका थोड़ा प्रकाश जी कोई फोटो नहीं निकल रहा है, मेरी बात सुनो, कोई फोटो नहीं निकल रहा है। हमने एक मिनट हमने 21 करोड़ रुपया ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है, इब्जा ने भी पैसा ट्रांसफर कर दिया है और हम देश के नागरिक है, हमारे देश के सरकार को सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है और हमारे जो कार्यालय का कर्तव्य है वो भी हम अच्छी तरह निभाएंगे और सब बिल्कुल और ये सब निभा रहे, तो ऐसा कोई फोटो नहीं खींचा है और ना कहीं पब्लिसिटी हुई है, किस कोई नहीं कर रहा है, अपने हम देश के नागरिक है और वहाँ पे भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगले दो चार महीने में कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला है जीएसटी और इनकम टैक्स का, तो पैसा वहां भी देना है और भारत सरकार और सब स्टेट के गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें दोनों तरफ सपोर्ट करना पड़ेगा, भारत सरकार और सरकारों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमारे लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा और हमारे जो कारीगर है उसको भी 100% सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कर रहे हैं। मनसुख जी, आई एम सॉरी टू इंटरवीन, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि हम सिर्फ 1.5 लाख जने को इस GGP से हम फंड दे रहे हैं, हालांकि हमारे पास डेटा है करीबन 55 से 60 लाख कारीगर का, तो हम ये कैसा पूरा करेंगे, कैसे? नहीं, 55 से 60 लाख नहीं, 55 से 60 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एज पर नीति आयोग। नहीं नहीं, 55 से 60 लाख कारीगर हैं, तो हमने ये क्लासिफाई किया है ये जो डेली वेजेस कारीगर हैं, जो 15,000 से महीने का कम कमाते हैं, उसका डेटा हम कर रहे हैं, उसका हम लोग डेटा कर रहे हैं। तो वो डेटा जितना हो सके उतना कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने 50 करोड़ के फंड निकाला, उसमें से 30 करोड़ रुपए हमने कारीगर के लिए रखा हुआ है और बाकी का 21 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट के दिया। तो 30 करोड़ अगर हम देते हैं 1500 रुपया, तो भी फिर 2 लाख कारीगर होते हैं फिलहाल। बाकी सारे दूसरे एसोसिएशन भी हेल्प कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और नेशनल लेवल पे सभी 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 लोग हेल्प कर रहे हैं। और जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि ज्वेलर्स, जो ज्वेलर्स हैं आज, मैं भी ज्वेलर होलसेलिंग करता हूँ, मेरी भी काफी सारे कारीगर से मैन्युफैक्चरिंग कराता हूँ, तो मैंने मेरे पर्सनल लेवल पे काफी हेल्प किया, ऐसे सबने किया है, तो वो लेवल पे भी सब लोग हेल्प कर रहे हैं और उसको हेल्प करना बढ़ाना चाहिए। चेतन जी, आपने कहा कि 60 लाख कारीगर है, 60 मैं मानता हूँ 50-60 लाख कारीगर है, उसमें आधे तो पेरोल पे है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा आपके 25 लाख से ज्यादा नहीं होंगे। और सुरेंद्र जी ने बताया कि 6 लाख ज्वेलर्स हमारे हैं, यदि हम ये 6 लाख ज्वेलर्स हमारे छोटे छोटे एसोसिएशन या बड़े एसोसिएशन के द्वारा उन्हें एक शपथ दिलाई जाए कि हम सिर्फ 4-4 कारीगर को कर निभा लेंगे, तो हमारे 6 लाख × 4 = 24 लाख कारीगर और 24 लाख कारीगर के 4-4 फैमिली मेंबर, आप 1 करोड़ लोगों का पूरा व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए हमें शपथ लेनी होगी, हमें अपने आप से काम करना होगा। 6 लाख ज्वेलर्स का जो अभी सुरेंद्र जी ने बताया ना, लोग अपना डेटा नहीं देते, अपना नाम नहीं, अपना मेंबरशिप नहीं लिखवाते हैं। जिस तरह जब हमारा एक्साइज का भी चला था, जब एक्साइज के अंदर 6 लाख ज्वेलर बताया, जब एक्साइज की रजिस्ट्रेशन हुई थी सिर्फ 1900 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 6 लाख ज्वेलर कहाँ चले गए वो हमें भी पता नहीं चला। मदन जी, मैं करेक्ट कर लूँ आपको, 29,000 है, तो ऐसा डेटा जो डेटा भी इजी नहीं है सब कलेक्ट करना सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, खाली हमारे ज्वेलर जितने भी है ना वो खाली एक शपथ ले ले। चलो चलो, अपने अभी कारीगर पे फोकस करिए, कारीगर पे फोकस करिए। प्रशांत जी बोलिए, प्रशांत जी बोलिए। लोग आज के तारीख में सिर्फ कारीगर का ग्राउंड रियलिटी क्या है बस, या प्रकाश जी, जहाँ तक डेटा की सवाल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, GGPCA एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनके पास पहले से डेटा होना चाहिए जो ऑल ओवर इंडिया में गोल्ड स्मिथ, सिल्वर स्मिथ और कॉपर स्मिथ, ये तीनों मिल के कितना कारीगर एक्चुअल है, वो डेटा अभी तक GGPCA के कम्प्लीट है कि नहीं, वो खुलासा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, उन्होंने लगभग 50 एसोसिएशन के ग्रुप बनाए ऑल ओवर इंडिया में, जिसका मैं सराहना करता हूँ, उसको थैंक यू भी देना चाहता हूँ, वो ग्रुप को भेजा करके उसके हिसाब से ये सारे हिंदुस्तान में जितना एसोसिएशन है उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन करके कुछ ना कुछ हेल्प करने, अपने पदों पे रह के कुछ अपने तरफ से, कुछ एसोसिएशन की तरफ से, कुछ GGPCA कुछ GEPCA की तरफ से हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पास डेटा लेके एक्सेल शीट में सेंट्रलाइज क्यों नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है, जो BGS जो बंगीय स्वर्ण शिल्पी समिति, जो उसके पास काफी सारे डेटा है, काफी सारे एक्सपीरियंस है, 1962 से काम, 1962 से तब तो लगभग GGPCA का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से काम कर रहे, उसके साथ क्यों कोऑर्डिनेशन करके क्यों आप नहीं काम करते, जो डेटा मिल सकते आराम से। उसके नाम नहीं, उसमें टोटल डेटा आप एक बार कोशिश कीजिए सीट, डेटा सीट मंगाने के लिए, उसमें डेटा कंप्लीट है, परमानेंट एड्रेस, रेसेंट एड्रेस, कौन सी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं पांडे जी को मैं हमारे काउंसिल के पांडे जी को आपसे और आलम से बात करने के लिए, मैं इसी में दिनेश जी नावेड़िया को, अपने दिनेश जी नावेड़िया को सुना, मैं बता रहा हूँ, प्रकाश जी हमारा एजेंडा है,
कारीगरों की समस्या के लिए हमने दिनेश जी नावड़िया को नहीं सुना जो कि रीजनल चेयरमैन है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। मैं चाहूंगा कि दिनेश जी नावड़िया क्या कहना चाहते हैं। दिनेश जी नावड़िया नहीं है, दिनेश जी है, चलो नहीं है, नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे, ठीक है। हाँ तो हम अपनी प्रोटेस्ट हम कारीगर सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी हम ये फोकस कारीगर के ऊपर रखे, कारीगर के बारे में क्या कहेंगे जी बोलिए। जो आपके सुझाव थे कि स्वर्ण शिल्पी और इन लोगों से डाटा लेने की बात है, जीजेईपीसी ने 6 रीजन को 6 भागों में डिवाइड किया हुआ है। 6 रीजनल चेयरमैन के अंदर में वहां के लोकल लोगों को मिलाकर के कमेटी बनाई गई है। कलकत्ता की जो कमेटी है उसमें भी स्वर्ण शिल्प जो समाज है और जो भी कारीगरों के एसोसिएशन है साथ में अटैच्ड है, वहां से भी डेटा आया हुआ है। जिस डेटा की आप बात कर रहे हैं कि लाखों 1.5 लाख का डेटा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आया हुआ है सब मिला के 3 से 3,500 डेटा नहीं है। तो आपको कहना और एग्जैक्टली पेपर पे डेटा होना दोनों अलग बातें हैं। तो आप लोग जो भी पांडे जी, ठीक है, कोई बात नहीं, पांडे जी कोई बात नहीं, ठीक है, वापिस हम जाएंगे वापिस उनसे डेटा लेंगे। ना ये है कि अगर पेट पे आग जल रहा है, आप कितना भी कपड़ा दिखाओ, कितना भी वो दिखाओ, कितना भी घर दिखाओ, उसको पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहला पेट का भूख निभाओ, ठीक है। आइए सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। सुरेंद्र जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी बोलिए, बिल्कुल सुरेंद्र जी बोलिए। देखिए इसमें ऐसा है कि आज जैसे कारीगर भी जो है वो बड़े एसोसिएशन की तरफ देख रहे हैं मदद के लिए, ठीक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप लोग ये भी खुद सोचिए, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्या आप लोगों को कितनी बार कहा नहीं गया कि आप बड़े एसोसिएशन से जुड़िए? आप लोग कभी जुड़ते हैं? आप लोगों ने कभी डेटा दिया है? IBJ आपको फ्री मेंबरशिप दे रहा था, मेरे पास 25,000 फॉर्म प्रिंट करके पड़े हुए थे, मोहित जी ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया था, आप लोग 25 जन भी मेंबर नहीं बने। तो ये यूनिवर्स मेंबर और वो डेटा और ये और तो वो, डेटा कैसे आएगा साहब? डेटा तो बिना मेंबर चलो चलो अभी 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 एक काम करते हैं, डेटा की बात नहीं करते हैं अभी अभी। काली बाबू जी करेल जी, ग्राउंड रियलिटी तो आप लोग समझिए क्या है। बस आप उसकी बात करें, हम ग्राउंड रियलिटी की बात करेंगे। अब डेटा को छोड़ के ग्राउंड रियलिटी पे क्या चीज आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है हमारी, वो जरूरत के बारे में बताइए सर। उस बारे में बताइए काली बाबू जी अभी काली बाबू बोलिए जो कॉन्ट्रैक्ट में है, कोई है वो 30 आर्टिजन सप्लाई करता है, कोई 40 आर्टिजन सप्लाई कर रहे हैं। अभी हमारे पास MITC से कम नहीं तो 80 लोगों का फोन आया था, दादा हमको खाना नहीं है, क्या उसके पास पैसा है? ये है, कोई कोई एरिया में सील कर दिया तो उसको राशन पानी मिल नहीं रहा है। अभी आज से समझिए ये भिरार नालासोपारा से लेके जो पॉकेट है ना, वो पॉकेट में भिरार, मैं बोल रहा हूँ भिरार नालासोपारा भाईंदर दहिसर मालाड अंधेरी और वो कालवा दीवा मुमरा थाने, ये सब पॉकेट में मैं दो वॉलेंटियर रेडी किया है और हमारा पुलिस से बातचीत चल रहा है कि एक ट्रक हमको दे दो ताकि हम उस तरफ उसके घर में थोड़ा बहुत पाल। आपको सुनने में खराब लगेगा, बिक्रोली से एक महिला का फोन आया था कल रात को, बोला हमको कुछ नहीं, 5 किलो चावल दे दो हमको 10 दिन चल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये ग्राउंड रियलिटी को समझिए आप लोग। डेटा ये वो 1500 रुपया वो 1500 रुपया होता रहेगा। मैं GJC का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत जल्द से जल्द जो हमने एक्सेल शीट भेजा था उसका वेरिफिकेशन होके बॉम्बे के अंदर जवेरी बाजार के अंदर अभी तक 120 आदमी का मेरा पास 120 नहीं 117 आदमी के पास पैसा आ गया है। तो ये काम हो रहा है और इसका GJEPC का वेरिफिकेशन चालू है, बहुत जल्द से आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर आज के तारीख में जो खाने का प्रॉब्लम हो रहा है उसका सोल्यूशन करना जरूरी है। उसके लिए
फंड इकट्ठा करना जरूरी है जो जो जगह पे हम हमारा फंड, मैं तो ये होलसेल एसोसिएशन बोलिए, मनसुख भाई बोलिए, पृथ्वीराज कोठारी बोलिए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग आगे आए। 10 दिन का पृथ्वीराज बोला 10 दिन का राशन हम लोगों के तरफ से है, होलसेल एसोसिएशन 4 दिन का वो दे रहे, हम लोग जो बांट रहे रोज का 2-2 लाख का खर्चा है, हमारा उतना कैपेसिटी नहीं है। हमारा जो भी एसोसिएशन का था इकट्ठा किया था 12-14 लाख रुपया, वो तो 6 दिन में खत्म हो गया, अभी आपका डोनेशन से चल जाए। पर ये जो है इसके लिए हर एक पॉकेट से आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो वॉलेंटियर काम कर रहे हैं उसका जान का जख्म है, ये है, उसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। हम नहीं, सब जगह में काम कर रहे हैं, जितना जो भी एसोसिएशन काम कर रहा है उसका हेल्प के लिए, ज्वेलर्स लोगों को, ये पिरामिड के ऊपर आप लोग है, नीचे बेस को आपको देखना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री आपसे ये मांग कर रहे हैं, आप कोई दया नहीं कर रहे, कोई भीख नहीं दे रहे, नहीं, नहीं, ये नहीं, आपका फर्ज है, आपका फर्ज है, इंडस्ट्री आपसे मांग रहा है। कालिदास जी ये हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम एक परिवार है पूरे, और ये परिवार की तकलीफ है, ना कि किसी इंडिविजुअल की तकलीफ है, आपकी या हमारी नहीं है, ये हमारा एक परिवार है जिसका पूरी तकलीफ है। और मैं इसमें पूरी एसोसिएशन, जितने भी एसोसिएशन से जितने भी मेंबर्स है, और सबसे बड़ी बात, जो दुकानदार जो अपने कारीगर से, एक कारीगर दो कारीगर को जो उनके साथ काम कर रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पर हर कारीगर से कांटेक्ट कीजिए और उनको गोद ले लीजिए, तो ही काम होगा। मेरा गुजारिश ये है, बॉम्बे के अंदर ये भीरार से लेके चार्ज गेट तक और कल्याण से लेके बीटी तक जो जो जगह में है ना, उधर राशन अगर पहुंचाने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे, हम सब नाम देंगे, सब कुछ देंगे कि उधर जो भी है राशन पहुंचाने का हम लोग करेंगे। तो बाकी ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो हमारा, हम आपके साथ करेंगे। काली बाबू बताइए, हम लोग करेंगे, आप बताइए, हमको अपन बात करते हैं, इसको करेंगे, डोंट वरी, आपको जहां भी पहुंचाना वो पहुंच जाएगा, मुंबई में कहीं पे भी पहुंच जाएगा। अच्छा, अभी एक मिनट प्रकाश जी, जो हमारे काली बाबू के वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं ना, अब वो बेचारे वहां पे इतनी सेफ्टी से काम नहीं कर पा रहे, खाली ग्लव्स और मास्क पहन के काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमने ज्वेलर्स फाइट कोरोना का जो एक हमने जवेरी बाजार में ग्रुप बनाया है, और अभी हमने पर्सनल प्रोटेक्शन किट 100 पीस का ऑर्डर दिया है, और जैसे ऐसे जो काली बाबू के जो वॉलंटियर है वो वॉलंटियर को हम देंगे ये सब किट, जो बेचारे जो एक्चुअल ग्राउंड में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं सब पूरी इंडिया के जितने भी स्टेट एसोसिएशन है, जो भी ग्राउंड पे वर्क पे काम कर रहे हैं, उन सबको ये कहूंगा कि आप प्रोटेक्टिव गियर उनको बिल्कुल दीजिए, ताकि वो प्रोटेक्टिव गियर से पूरा काम कर सके। और आज जैसा कि ये बहुत डिस्कशन, और कोई पॉइंट हो अगर किसी को, अच्छा, एक हो, मुझे अभी ऐसा लगता है, एक अभी आज जो अभी सेमिनार हुआ, सुन रहे हो? यस यस बिल्कुल, सेमिनार हुआ, उसके अंदर आज सबसे अपना बड़ा प्रॉब्लम जो था पहले फेस करना था, तो वो अभी टाइम का समय भी मेरे हिसाब से 7 बज गए है, अपना 1 घंटे का ये था, तो दूसरे भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि आपने अभी जीजीईपीसी जीजेसी और कोई इसके संगठित इब्जा की जो इंडिया लेवल पे जो कारागिरी काम कर रही है, अभी कोरोना का तो प्रॉब्लम है ही, इसके बाद में आगे अपने इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा फेस करना है अपने को 3-4 महीने, तो मेरा मुझे 2-3 सुझाव इस तरह से है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग हब है जहां जहां जो भारत सरकार से काउंसिल के हिसाब से जीजे ईपीसी के हिसाब से जो मदद कर सकते हो, तो उसके अंदर कारागिर लोगों के लिए अनस्किल्ड कारागिर है, उन कारागिरों के लिए कोई योजना बनाए, कोई प्रशिक्षण हो। हम लोगों ने अभी कोल्हापुर में कोई ऐसे, मैंने बंबई में आज इंस्टीट्यूट चल रहा है, भरत भाई मैं पांडे जी को अभी इमीडिएट बोलूंगा आपसे बात करने के लिए, और इसकी सारी डिटेल आपको दूंगा, ये सारी स्कीम हो गया एक्टिव है। बिल्कुल बिल्कुल, ये है तो मेरे तो कारीगर मनसुख भाई, ये इंडस्ट्री का रिक्वेस्ट था उसके अंदर, जो लोग ऐसे एसोसिएशन काम कर रहे हैं, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अपन व्यापारी लोग जो ये जो सोशल काम करते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल अपना किसी का 1 रुपए का ये नहीं होता, पॉलिटिकल योजनाएं जो होती है, राजकारण लोग जो करते हैं उसके अंदर उनको पैसा मिलता है, वो लोग 10 बार बुलाएंगे तो जाते हैं। अपना ऐसे होता है कि अपन एक सोशल काम करते हैं उसके अंदर 1 रुपया गलत लेते नहीं है। आपके रिक्वेस्ट यही है कि कोई ऐसी प्रोसीजर बने ना,
तो आप उसको पुश डाउन जल्दी से जल्दी करिए, मैं समय अपने पास नहीं होता। भरत भाई हम बहुत जल्दी एक जूम मीटिंग जितने भी बड़े एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के एक या दो दिन में उसकी मीटिंग जूम में बुलाने वाले हैं। हम आपको भी इनवाइट करेंगे और सबका सजेशन लेंगे, और जो हमारी जीजीपीसी की जो स्कीम है परिचय कार्ड स्वस्थ कोर्स स्किल डेवलपमेंट वो सारी हम आपको डालेंगे। और इसको अभी इसके बाद जैसे ये सब लॉकडाउन खत्म हो जाता है इसको अपन बहुत फास्ट ट्रैक पे डाल देंगे। और मुझे ये बोलना है, मुझे एक चीज बोलना है कि भाई सब जितने भी एसोसिएशंस हैं अभी जो 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 भी लेवल के एसोसिएशन है सिटी लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के, बस आप लोग सब लोग साथ में आवे और साथ में मिलके काम करें। अलग अलग काम कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सब लोग साथ में आने की कोशिश करें। और अभी अपना एक ही काम है कैसे भी ये देश को बचाया जाए, अपने अपने इंडस्ट्री को बचाया जाए, अपने कारीगर को बचाया जाए। ये जो शास्त्र कोष का है ना, आपको जान के खुशी होगा कि हम लोग ने 50,000 का अमाउंट साइन किया है, तो शास्त्र कोष से हमारा जवेरी बाजार के अंदर 3 केस मेडिक्लेम जो है वो पास हो गया, तो लोग बहुत खुश है। तो काली बाबू ये बात आप बोलिए क्योंकि जो ये सब एसोसिएशन के लिए सुनने वाली बात है, जो स्कीम हमने लाई थी वो काली बाबू के यहाँ पे एसोसिएशन से हमने की है, काफी लोग को पास ऑन किया और उसका बेनिफिट पास ऑन होना चालू हो गया। बिल्कुल सही है। शास्त्र कोष का जो मेडिक्लेम किया था ना, 2-3 कारीगरों का ऐसा ऑपरेशन हुआ था तो उसका मेडिक्लेम जो है क्लेम सेटल हो गया। एक तो बाकी था वो बिल्कुल ये तो हम ये कह सकते हैं कि इस चर्चा के अंदर सबके सब एसोसिएशन हम एक है, ज्वेलरी फर्टिनिटी पूरा एक परिवार है और ये परिवार साथ मिलकर काम करेगा तो ये काम हो पाएगा। राजकोट का और जो भाई ने बताया था, प्लीज आपको वेट कर रहा हूँ, राजकोट के भाई साहब ने बताया था कि हम लोगों ने कलेक्टर के पास निवेदन दिया है और वो इसका परमिशन दे रहे हैं, प्लीज वो शेयर करिए। हाँ बराबर, वो दिखाइए हरेक जिसके या कोई जिले में कलेक्टर साहब के पास कल की मैं कल है ना, हमने हमारे 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 बॉम्बे में भी पृथ्वीराज जी कोठारी प्रीपचा के प्रेसिडेंट और सुरेंद्र जी मेहता ने कमीशन को लेटर दिया है सारे ज्वेलर्स के लिए कि भाई उनको अमुक टाइम पे एक बार खोलने के लिए दे ताकि कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स निकालना, वो चेक निकालना, वो सिक्योरिटी चेक करनी वो जा सके, तो ये लेटर दिया हुआ है। सुरेंद्र जी मेहता फॉलो कर रहे, उसका शायद परमिशन 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके डन डन डन, वो जो आपका सभी तो प्लीज वो फॉरवर्ड करिए। या जी बिल्कुल, यस आ जाएगा तो मैं तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा, आ जाएगा तो तुरंत फॉरवर्ड कर दूंगा। सभी पैनलिस्ट जो पधारे हैं उनका सबका धन्यवाद। और हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे मोदी ने जैसे कहा है स्टे हेल्दी स्टे एट होम, और सबका सबका साथ सबका साथ सबका विश्वास, तो सब लोग साथ में जुड़िए। ये प्रकाश जी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एसोसिएशन तो अपना ही है, सब साथ में जुड़िए, एक साथ मिलके काम करिए तो बहुत बड़ा काम करना है। ये सिर्फ हमने बिल्कुल यही कहा, लॉकडाउन का काम नहीं है, लॉकडाउन के बाद में बहुत बड़ा काम है। प्रकाश जी मुझे एक बात कीजिए, प्रकाश जी मुझे बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले मैंने कहा कि पूरा ज्वेलरी इंडस्ट्री एक फैमिली है और सभी एक परिवार की तरह रहेंगे। यस गांधी जी, सूरज से वासुदेव बाबू का, सूरज से वासुदेव गांधी जी बोलिए। यस गांधी जी बोलिए। यस हम लोग सारे बातें कर ही रही है, मतलब जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं शायद उन चीजों को टाइम लग सकता है। तो केएनसी की तरफ से हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक हेल्पलाइन बनाई है, जैसे अभी काली बाबू बोल रहे हैं कि दहीसर में किसी को कुछ मदद चाहिए तो करना चाहिए, तो अगर कोई भी अपने ग्रुप में अगर उस हेल्पलाइन में जुड़ना चाहे जो इमीडिएट मदद करने के लिए, जैसे खाना है या पैसे है या पीपी इक्विपमेंट है, तो प्लीज उस हेल्पलाइन में ऐड करने के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए। और दूसरी एक हमारे बबलुदा है जो कलकत्ते से है, उन्होंने मुझे एक पॉइंट यहाँ डिस्कस करने को कहा है, जस्ट फूड फॉर थॉट कि चलो आज हम ये सब कर ही रहे हैं लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो इमीडिएटली काम शुरू होना बहुत मुश्किल है, तो सभी जो ज्वेलर्स है मीडियम और बड़े लेवल के ज्वेलर्स है जो मुश्किल हो रहा है उनको, तो सरकार के पास हमको सबको मिलके ये रिक्वेस्ट देनी चाहिए कि दे शुड गिव अस लोन फॉर से 3-6 मंथ्स के टाइम के लिए, जो भी उनके अकॉर्डिंग टू उनका जो टर्नओवर है, और तो बिजनेस को रिवाइव करने में आसानी होगी। तो दिस इज जस्ट अ फूड फॉर थॉट, आप बड़ी सब एसोसिएशन मिलके इफ यू कैन गो टुगेदर एंड हैव दिस कम्युनिकेटेड टू द गवर्नमेंट मे बी थ्रू बैंक्स, अगर ये सुविधा हो सकती है तो बिजनेस रिवाइव होने में
आसानी होगी। तो ये छोटा सा थॉट उनका था जो मुझे कन्वे करना। बहुत-बहुत धन्यवाद, सब लोग सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रहिए प्लीज। जो सुरेंद्र जी ने बोला है सब, और सब लोग बोल रहे हैं अपने अपने कारीगर का नैतिक जवाबदारी लेके अपने अपने कारीगर का ध्यान रखिए। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया बोला। सभी के सभी से यही कहूंगा कि ये हमारी एक इंडस्ट्री, हमारी एक फैमिली है, सभी साथ रहिए, सभी सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू।